हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज की क्लास में हम पोइट्स एंड पेनकेक्स जो लेसन है अशोक मित्रान का लिखा हुआ, उसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि अशोक मित्रान इसमें जेमिनी स्टूडियो जो मद्रास का है उसके बारे में बता रहा है। वो समय जब फिल्मों के ज़्यादातर शूटिंग स्टूडियो में हुआ करती थी, वो अपने काम के बारे में बता रहा है कि वो न्यूज़पेपर की कतरन वगैरह वहाँ पे काटा करता था। आमतौर पे दूसरे लोग जो देखते थे वो सोचते थे कि इसके पास कोई काम नहीं है। जो फ्री होते थे बात करने का, जिनका इरादा होता था, वो अशोक मित्रान के पास आ जाया करते थे। और इसके अलावा वहाँ पे अन्य लोगों की भी बात बताई गई है। उसमें जेमिनी स्टूडियो में एक ऑफिस बॉय हुआ करता था और वो ऑफिस बॉय आम तौर पे शिकायत करता रहता था, क्योंकि वो एक अच्छा हीरो बनने के लिए वहाँ पे आया था और वो नहीं कर पाया था। एक लीगल एडवाइज़र की भी बात हुई है, एक वकील की भी बात हुई है, जिसने एक अच्छी हीरोइन का करियर ख़राब कर दिया था, क्योंकि उसने एक इक्विपमेंट में उसकी रिकॉर्डिंग कर ली थी, एक इंस्ट्रूमेंट में उसकी रिकॉर्डिंग कर ली थी जब वो गुस्से में थी और वो वहाँ से छोड़कर चली गई थी। उससे आगे अपन पढ़ते हैं। देखो, इसमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से उसने उस हीरोइन के उस कैरियर का, जो एक अच्छा बनने वाला था, उसका अंत कर दिया था। इसके आगे पढ़ते हैं। व्हाइल एवरी अदर मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट, जबकि प्रत्येक दूसरा मेंबर, दूसरा सदस्य डिपार्टमेंट का वोर ए काइंड ऑफ यूनिफॉर्म, एक प्रकार की यूनिफॉर्म पहनता था, खादी धोती विद ए स्लाइटली ओवरसाइज्ड, खादी धोती और एक स्लाइटली हल्की सी ओवरसाइज्ड बड़े आकार की एंड क्लमजीली और अनाड़ीपन से टेलर्ड सिली हुई वाइट खादी शर्ट, सफ़ेद खादी की शर्ट पहनता था। सारे लोग एक धोती और खादी की वो शर्ट पहनते थे। द लीगल एडवाइज़र वोर पैंट्स, इसके अलावा लीगल एडवाइज़र पहनता था पैंट्स एंड ए टाई, और टाई लगाता था, एंड सम टाइम्स ए कोट, और कई बार एक कोट पहन लेता था, दैट लुक्ड लाइक ए कोट ऑफ मेल, जो एक प्रकार से एक कोट ऑफ मेल का कवच की तरह लगता था। ऑफन ही लुक्ड अलोन, आमतौर पर वह अकेला लगता था, एंड हेल्पलेस और असहाय होता था, ए मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक, एक ऐसा व्यक्ति जो रूखे तर्क वाला होता था, कोल्ड लॉजिक रूखे तर्क वाला, इन ए क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, स्वप्न दृष्टाओं की एक भीड़ में, ए न्यूट्रल मैन, एक तटस्थ, एक निष्क्रिय व्यक्ति, इन एन असेंबली ऑफ गांधी टीज एंड खादी टीज, गांधी को मानने वाले लोगों की असेंबली में और खादी पहनने वाले लोगों की असेंबली में वो एक न्यूट्रल व्यक्ति लगता था, एक तटस्थ लगता था। लाइक सो मैनी ऑफ दोज, उन बहुत सारे लोगों की तरह, हु वर क्लोज टू द बॉस, जो बॉस के नज़दीक होते थे, ही वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस, उसे भी अनुमति दी गई प्रोड्यूस करने की, निर्माण करने की, एक फिल्म एंड दो, और यद्यपि ए लोट ऑफ रास्टोक, रास्टोक का कच्चा माल, यद्यपि अत्यधिक कच्चा माल एंड पेनकेक और श्रृंगार सामग्री वर यूज्ड ऑन इट, इस पर यूज की गई थी, नोट मच केम ऑफ द फिल्म, फिल्म से ज़्यादा कुछ नहीं आया, फिल्म ज़्यादा नहीं चली। देन वन डे, तब एक दिन, द बॉस क्लोज डाउन, बॉस ने बंद कर दिया द स्टोरी डिपार्टमेंट, स्टोरी डिपार्टमेंट को, एंड दिस वॉज परहैप्स द ओनली इंस्टांस, और शायद यह पहला एक उदाहरण था इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री, पूरे मनुष्य के इतिहास में, वेयर द लॉयर लॉस्ट हिज जॉब, जहाँ पर वकील ने अपना जॉब खो दिया था, बिकॉज द पोइट्स वर आस्क्ड, क्योंकि कवियों को कह दिया था टू गो होम, घर जाने के लिए। जेमिनी स्टूडियोज वॉज द फेवरेट हाउंट, हाउंट का मतलब बसेरा, जेमिनी स्टूडियो जो था वो फेवरेट, प्रिय बसेरा था वो पोइट्स, कवियों का, लाइक एस डी एस योगियार, संगु सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री एंड हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, ये कवियों के नाम हैं जो आ जाया करते थे उस समय स्टूडियो में। इट हैड एन एक्सीलेंट मैस, इस स्टूडियो में एक शानदार मैस था, वी स्प्लाइड गुड कॉफ़ी, जो अच्छी कॉफ़ी दिया करता था, सप्लाई करता था, एट ऑल टाइम्स, पूरे समय ऑफ द डे, दिन के,
एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट, और रात के भी ज़्यादातर हिस्से में, रात के भी ज़्यादातर समय में। दोज वर द डेज, वे दिन थे, दोज वर द डेज, वे दिन थे व्हेन कांग्रेस रूल, जब कांग्रेस के शासन का मिंट मतलब था प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब है मद्य निषेध, शराबबंदी, एंड मीटिंग ओवर ए कप ऑफ कॉफ़ी, और एक कॉफ़ी के कप का मिलना वाज रेदर सेटिस्फाइंग, अपेक्षाकृत संतुष्टि देने वाला इंटरटेनमेंट, मनोरंजन हुआ करता था। बारिंग द, बारिंग सिवाय द ऑफिस बॉयज, ऑफिस बॉयज के, एंड ए कपल ऑफ क्लर्क्स, और दो क्लर्क के अलावा, एवरीबडी एल्स एट द स्टूडियोज, प्रत्येक अन्य व्यक्ति स्टूडियो में, रेडिएटेड लीजर, रेडिएटेड, रेडिएटेड का प्रसारित करता था लीजर, फ्री समय में, फुर्सत के समय में, ए प्री रिक्विजाइट, ए प्री रिक्विजाइट का मतलब होता है पूर्व शर्त के अनुसार, फॉर पोइट्री, पोइट्री। मोस्ट ऑफ देम वोर खादी, उनमें ज़्यादातर लोग खादी पहनते थे, एंड वर्शिप्ड गांधी जी, और गांधी जी को वो मानते थे, बट बियॉन्ड दैट, परंतु इसके अलावा, इससे परे, दे हैड नोट द फेंटेस्ट एप्रिसिएशन, उन्हें हल्की सी भी एप्रिसिएशन नहीं थी, समझ नहीं थी फॉर पॉलिटिकल थॉट, राजनीतिक विचारों की, ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार की। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, दे वर ऑल आवर्स, आवर्स का मतलब प्रतिकूल, चिड़े हुए थे, वे सारे के सारे चिड़े हुए थे, टू द टर्म कम्युनिज्म, कम्युनिज्म शब्द से, साम्यवाद शब्द से। एक कम्युनिस्ट, एक साम्यवादी, वाज ए गॉडलेस मैन, एक भगवान को नहीं मानने वाला व्यक्ति होता था, ही हैड नो फिलेल, ही हैड नो फिलेल, फिलेल होता है माता पिता से मिलने वाला, जिसको माता पिता से मिलने वाला और कंजुगल लव या फिर पति पत्नी से मिलने वाला प्रेम नहीं मिलता था। फिलेल माता पिता से मिलने वाला, और कंजुगल पति या पत्नी से मिलने वाला प्रेम। ही हैड नो कंपंक्शन, उसे कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी, कंपंक्शन हिचकिचाहट, अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स, अपने खुद के पेरेंट्स को मारने में, और हिज चिल्ड्रन अपने बच्चों को मारने में। ही वॉज ऑलवेज टू काउज एंड स्प्रेड अनरेस्ट, वह हमेशा आउट टू काउज एंड स्प्रेड अनरेस्ट, आउट टू काउज एंड स्प्रेड का फैलाता रहता था अनरेस्ट, अशांति, वह हमेशा फैलाता रहता था अशांति, वायलेंस, हिंसा, अमंग इनोसेंट, मासूम एंड इग्नोरेंट पीपल, अनजान लोगों में, अज्ञान लोगों में। सच नोशंस, ऐसे विचार, विच प्रीवेल, जो छाए हुए थे एवरीवेयर एल्स इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में प्रत्येक जगह, एट दैट टाइम ऑल्सो, उस समय भी, नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, फ्लोटेड अबाउट, ऐसे लोग मंडराते रहते थे, वैगली अस्पष्ट रूप से, अमंग द खादी क्लेड पोइट्स, खादी पहनने वाले, क्लेड लिपटे हुए पहनने वाले पोइट्स, कवियों में, ऑफ जेमिनी स्टूडियोज, जेमिनी स्टूडियो के। एविडेंस ऑफ इट, इसका प्रमाण, इसका सबूत, वाज सून फोर्थ कमिंग, जल्दी ही मिलने वाला था, इसका सबूत जल्दी ही आने वाला था। देखते हैं आगे। व्हेन फ्रैंक बुचामन्स मोरल रीआर्मामेंट आर्मी, जब फ्रैंक बुचामन की मोरल रीआर्मामेंट आर्मी, ये एक दल का नाम है, सम 200 स्ट्रॉन्ग, जिसमें थे 200 मजबूत, विजिटेड, यात्रा पर आए मद्रास, मद्रास में सम टाइम, किसी समय, इन 1952, 1952 में, दे कुड नॉट हैव फाउंड ए वार्मर, वार्मर होता है स्नेही, मेलजोल वाला, मेज, होस्ट, मेजबान, उन्हें नहीं मिला कोई भी गर्म जोशी के साथ मेजबानी करने वाला व्यक्ति इन इंडिया, भारत में, देन द जेमिनी स्टूडियोज, जेमिनी स्टूडियो की तुलना में। समवन कॉल्ड द ग्रुप, किसी ने बताया उस ग्रुप को, एन इंटरनेशनल सर्कस, एक अंतर्राष्ट्रीय सर्कस, दे वर नॉट वेरी गुड ऑन द ट्रेपेज, ट्रेपेज होता है कलाबाजी का झूला, वे कलाबाजी में ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं थे, अच्छे नहीं थे, एंड देयर अक्वेंटेंस, और उनका परिचय विद एनिमल्स वाज ओनली एट डिनर टेबल, कि उन पशुओं जैसे व्यक्तियों से हुआ डिनर के टेबल पर।
बट दे प्रेजेंटेड टू प्लेज, परंतु उन्होंने पेश किए दो प्ले, दो नाटक इन ऑलमोस्ट प्रोफेशनल मैनर, लगभग व्यावसायिक तरीके से। देयर जोथम वैली, उनका प्ले जोथम वैली एंड फॉरगॉटन फैक्टर, और दूसरा प्ले है फॉरगॉटन फैक्टर, रेन हुए सेवरल शोज, बहुत सारे शो में इन मद्रास, मद्रास में, एंड अलोंग विद द अदर सिटीजन्स, और दूसरे नागरिकों के साथ, ऑफ द सिटी, शहर के, द जेमनी फैमिली ऑफ 600, जेमनी परिवार जो 600 लोगों का था, सा देखता था द प्लेस, उन नाटकों को, ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार, द मैसेज ऑफ द प्लेस, इन प्लेस का, इन नाटकों का जो मैसेज था, वर यूजुअली प्लेन, आमतौर पर सादा होता था, एंड सिंपल, और एक सामान्य सा होमिलीज, प्रवचन के साथ होता था, होमिलीज प्रवचन। बट द सेट्स एंड द कॉस्ट्यूम्स, परंतु सेट और कॉस्ट्यूम्स, पोशाकें, कपड़े, वर फर्स्ट रेट, फर्स्ट रेट का मतलब उत्तम किस्म के थे। मद्रास एंड द तमिल ड्रामा कम्युनिटी, मद्रास और तमिल ड्रामा की कम्युनिटी, समुदाय, वर टेरिबली इम्प्रेस्ड, टेरिबली का मतलब अत्यधिक, इम्प्रेस्ड प्रभावित हुए, एंड फॉर सम ईयर्स, और कुछ सालों तक, ऑलमोस्ट ऑल तमिल प्लेस, लगभग सारे तमिल नाटक, हैड ए सीन, एक सीन रखने लगे ऑफ सनराइज, सूर्योदय का, एंड सनसेट, और सूर्यास्त का, इन द मैनर ऑफ जोथम वैली, जोथम वैली के तरीके से। जोथम वैली में जो ये सीन दिखाया जाता था ना सनराइज और सनसेट का, वो तमिल ड्रामा में भी रखने लगे। विद बेयर स्टेज, खाली स्टेज वाला सीन होता था, ए वाइट बैकग्राउंड कर्टेन, एक सफ़ेद पीछे वाला कर्टेन पर्दा, एंड ए ट्यून, और एक धुन, प्लेट बजाई जाती थी ऑन द फ्लेट, फ्लूट, बांसुरी पर। इट वॉज सम ईयर्स लेटर, कुछ समय बाद, दैट आई लर्न्ड, कि मैंने जाना, दैट द एमआरए वॉज ए काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट, एक प्रकार का काउंटर मूवमेंट था, विपरीत आंदोलन था, टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिज्म के, एंड द बिग बॉसेज ऑफ मद्रास, और मद्रास के बड़े बड़े बॉस लाइक मिस्टर वासन जैसे, सिंपली प्लेड इनटू देयर हैंड्स, चले गए थे उनके हाथों में। आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता, हाउएवर, हालांकि, दैट दिस वॉज इंडीड द केस, कि वास्तव में यह मामला था, फॉर द अनचेंजेबल आस्पेक्ट्स, कि अपरिवर्तनीय आस्पेक्ट्स, रंग ढंग कि अपरिवर्तनीय रंग ढंग ऑफ बिग दीज बिग बॉसेज, इन बड़े बड़े बॉस लोगों का, एंड देयर इंटरप्राइजेस, और उनके उद्योगों का, रिमेंड बना रहा द सेम, एक जैसा हाल। एमआरए और नो एमआरए, चाहे एमआरए हो या एमआरए नहीं हो, इंटरनेशनल कम्युनिज्म, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का, अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद का, और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म, या फिर अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद ना हो। द स्टाफ ऑफ जेमनी स्टूडियो का स्टाफ, हैड ए नाइस टाइम होस्टिंग, एक अच्छी समय वाली होस्टिंग, मेजबानी मिली, 200 पीपल, 200 लोगों की, ऑफ ऑल ह्यूज, जो सारे ऑल ह्यूज, सभी रंगों के थे, एंड साइजेज, और सभी आकारों के थे, और एट लीस्ट 20 नेशनैलिटीज, और लगभग 20 राष्ट्रीयताओं के थे। इट वॉज सच ए चेंज, ये एक ऐसा बदलाव था फ्रॉम द यूजुअल कलेक्शन ऑफ क्राउड, सामान्य समूह, यूजुअल सामान्य कलेक्शन, समूह ऑफ क्राउड, भीड़ के, प्लेयर्स कलाकारों वाला, वेटिंग टू बी स्लैप्ड, जो इंतजार करते रहते थे, स्लैप्ड चुपड़वाने का या लगाए जाने का, विद थिक लेयर्स, मोटी मोटी परतें ऑफ मेकअप की, बाय द ऑफिस बॉय के द्वारा, इन द मेकअप डिपार्टमेंट में। ए फ्यू मंथ्स लेटर, कुछ महीनों बाद, द टेलीफोन लाइन्स, टेलीफोन की लाइन ऑफ बिग बॉसेज, बड़े बड़े बॉस लोगों की, ऑफ मद्रास के बज्ड बजने लगी या घनघनाने लगी। एंड वंस अगेन, और एक बार फिर, वी एट जेमनी स्टूडियोज, हम जेमनी स्टूडियो में कलियर खाली करने लगे द होल शूटिंग स्टेज, पूरे शूटिंग वाले स्टेज को, टू वेलकम अनदर विजिटर, एक अगले यात्री का वेलकम करने के लिए।
ऑल दे सेड, उन्होंने जो कुछ बताया वॉज दैट ही वॉज ए पोइट, कि वह एक पोइट था फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड का, द ओनली पोइट्स फ्रॉम इंग्लैंड, द सिंपल जर्मनी स्टाफ, केवल पोइट इंग्लैंड के, इंग्लैंड के पोइट का सामान्य सा जर्मनी स्टाफ न्यू जानता था और हर्ड सुन रखा था ऑफ वर वर्ड्सवर्थ एंड टेनिसन, वर्ड्सवर्थ और टेनिसन के बारे में। जर्मनी स्टूडियो के लोगों ने कवियों के बारे में जो सुन रखा था वो कवि वो जानते थे वर्ड्सवर्थ और टेनिसन को। द मोर लिटरेट वंस, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग न्यू जानते थे ऑफ किड्स, किड्स के बारे में, शैली, शैली के बारे में, एंड बायरन और बायरन के बारे में। एंड वन और टू माइट हैव फेंटली कम टू नो, और एक या दो धुंधले से हल्के से जानते थे ऑफ समवन बाय द नेम इलियट, कोई इलियट नाम के कवि को। हु वाज द पोइट, तो वह कौन कवि था विजिटिंग द जर्मनी स्टूडियोज, जो जर्मनी स्टूडियो में आ रहा था नाउ, अब। He is not a poet, वह एक कवि नहीं है। He is an editor, वह एक संपादक है। That's why, इसीलिए the boss is giving him a big reception, बॉस उसे एक बड़ा सा स्वागत कर रहा था। Watson was also the editor of the popular Tamil weekly, Watson भी editor हुआ करता था एक प्रसिद्ध तमिल साप्ताहिक आनंदा विकातन, आनंदा विकातन का। He was not the editor of, वह नहीं था editor, वह एडिटर नहीं था एनी ऑफ द अननोन नेम, अननोन नेम्स, किसी जाने माने नाम का, ऑफ ब्रिटिश पब्लिकेशंस, ब्रिटिश पब्लिकेशन का, प्रकाशन का, इन मद्रास, मद्रास में। दैट इज दोज नोन एट द जर्मनी स्टूडियोज, वे जो जर्मनी स्टूडियो में जाने जाते थे, सिंस द टॉप मैन, क्योंकि मुखिया व्यक्ति, शीर्ष व्यक्ति ऑफ द हिंदू, द हिंदू का, वर टेकिंग द इनिशिएटिव, वर टेकिंग द इनिशिएटिव का मतलब अगुवाई कर रहा था। द सरमाइज, अनुमान वाज दैट, वह था। अब अनुमान क्या था, द पोइट वाज द एडिटर ऑफ ए डेली, कि वह पोइट एक संपादक हो सकता है किसी डेली मैगजीन का, न्यूज़पेपर का, बट नोट फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्जियन, परंतु मैनचेस्टर गार्जियन का नहीं था वो, और द लंदन टाइम्स, ना ही लंदन टाइम्स का एडिटर था। दैट वॉज ऑल, यही सब कुछ था। दैट इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म, कि सर्वाधिक जानकारी रखने वाले लोग अमंग अस, हम में, नो न्यू जानते थे, यही इतनी जानकारी थी उसके बारे में। एट लास्ट अंत, अराउंड फोर इन द आफ्टरनून, लगभग चार बजे दोपहर के बाद, द पोइट और द एडिटर, वह कवि या फिर एडिटर अराइव्ड, आया। ही वॉज ए टाल मैन, वह एक लंबा सा व्यक्ति था, वेरी इंग्लिश, काफ़ी अंग्रेज लगने वाला, वेरी सीरियस, काफ़ी गंभीर, एंड ऑफ कोर्स वेरी अननोन, और लगभग एक अज्ञात सा, अनजान सा, टू ऑल ऑफ अस, हम सभी के लिए, बैटलिंग, बैटलिंग का मतलब सामना करते हुए, बैटलिंग सामना करते हुए, विद हाफ ए डजन, आधा दर्जन पेडेस्टाल, खड़े हुए फैंस पंखों का, ऑन द शूटिंग स्टेज, शूटिंग स्टेज पर, द बॉस रेड आउट ए लॉन्ग स्पीच, बॉस ने पढ़कर सुनाया एक लंबा सा स्पीच। इट वॉज ऑब्वियस, ये क्लियर था, दैट ही टू न्यू, कि वह भी जानता था, प्रियस प्रेसियस लिटल, बहुत कम, अबाउट द पोइट, उस पोइट के बारे में, और द एडिटर, उस एडिटर के बारे में। द स्पीच वॉज ऑल इन द मोस्ट जनरल टर्म्स, स्पीच जो था वो था अत्यधिक सामान्य, जनरल सामान्य टर्म्स, शब्दों में, बट हियर एंड देयर, परंतु यहाँ यहाँ, इट वॉज पेपर्ड विद, यह भरा हुआ था, इसमें फैले हुए थे, इसमें छिड़के हुए थे वर्ड, शब्द लाइक फ्रीडम, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी, वो जो भी पढ़ रहा था अपने स्पीच में, उसमें बीच बीच में फ्रीडम और डेमोक्रेसी शब्द आ रहे थे। देन द पोइट स्पोक, तब कवि बोलने लगा। ही कुडंट हैव एड्रेस ए मोर डेज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस, वह नहीं संबोधित कर पाया था, एड्रेस संबोधित करना, अत्यधिक आश्चर्यचकित एंड चुपचाप बैठे हुए ऑडियंस, श्रोताओं को। नो वन न्यू, कोई नहीं जानता था, व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट, वह किसके बारे में बात कर रहा है, एंड हिज असेंट, और उसका लहजा, डिफीटेड एनी अटेम्प्ट
और उसका जो लहजा था उच्चारण का, डिफीटेड हरा रहा था, एनी अटेम्प्ट किसी भी प्रयास को टू अंडरस्टैंड समझने का व्हाट ही वाज सेइंग कि वह क्या कह रहा है। देखो वो लोग समझने की कोशिश भी कर रहे थे ना, तो उसका असेंट जो था, उसका उच्चारण था, उसे वो समझ नहीं पा रहे थे। द होल थिंग लास्टेड, पूरा यह कार्यक्रम चला अबाउट एन आवर, लगभग एक घंटे तक। देन द पोइट लेफ्ट, तब कवि चला गया। एंड वी ऑल डिस्पर्स्ड, और हम सब डिस्पर्स बिखर गए, इन अटर बफलमेंट, अत्यधिक असमंजस में। अटर का अत्यधिक, पूर्ण, बफलमेंट असमंजस में। व्हाट आर वी डूइंग, हम क्या कर रहे हैं। व्हाट इज एन इंग्लिश पोइट डूइंग, एक इंग्लिश पोइट क्या कर रहा है। इन ए फिल्म स्टूडियो, एक फिल्म स्टूडियो में। विच मेक्स तमिल फिल्म्स, जो तमिल फिल्में बनाता है। और द सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ, फॉर द सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ पीपल, सामान्य लोगों के लिए। पीपल हुज लाइव्स लिस्ट अफोर्डेड, लोग जिनका जीवन नहीं दे सकता था, लिस्ट अफोर्डेड नहीं दे सकता था देम, उन्हें द पॉसिबिलिटी, संभावना ऑफ कल्टीवेटिंग, बनाने की ए टेस्ट, एक रुचि फॉर इंग्लिश पोइट्री, इंग्लिश पोइट्री के लिए। द पोइट लुक्ड प्रेटी बेफल टू, वह कवि लगा अत्यधिक, लुक्ड लगा प्रेटी अत्यधिक बेफल टू, असमंजस में भरा हुआ। फॉर, क्योंकि ही टू मस्ट हैव फेल्ट, वह भी अनुभव कर चुका था द सीयर इन कॉन्ग्रुटी, सीयर का विशुद्ध, पूर्ण रूप से इन कॉन्ग्रुटी, असंगतता ऑफ स्टॉक, अपने बात की अबाउट द थ्रिल्स, रोमांच के बारे में, एंड ट्रेवल्स, और पीड़ाओं के बारे में, ऑफ एन इंग्लिश पोइट, एक इंग्लिश पोइट की। हिज विजिट रिमेन, उसकी यात्रा रही, एन अनएक्सप्लेन्ड, एक एबूज मिस्ट्री, रहस्य। मीन्स वो पोइट बोल रहा था, वो भी समझ रहा था कि मेरी इंग्लिश इनके समझ में नहीं आ रही है, और उसके बाद उसकी जो यात्रा थी जेमिनी स्टूडियो में, वो एक मिस्ट्री रही लोगों के लिए, एक रहस्य रही। द ग्रेट प्रोज राइटर, बड़े बड़े प्रोज राइटर ऑफ द वर्ल्ड, संसार के, मे नॉट एडमिट इट, शायद इसे स्वीकार नहीं करेंगे, बट माई कन्विक्शन, परंतु मेरा जो दृढ़ विश्वास है, कन्विक्शन, दृढ़ विश्वास, ग्रो स्ट्रोंगर, स्ट्रोंग होता गया डे बाई डे, दिन प्रतिदिन, दैट प्रोज राइटिंग इज नॉट एंड कैन नॉट बी, कि प्रोज राइटिंग नहीं है और नहीं हो सकती, द ट्रू परस्यूट, एक सच्चा व्यवसाय, ट्रू परस्यूट, सच्चा व्यवसाय ऑफ ए जीनियस, एक प्रतिभामान व्यक्ति का, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का। इट इज फॉर द पेशेंस, यह कार्य है धैर्य का, परसिस्टेंट लगनशीलता का, प्रिजर्वरिंग दर्द, प्रतिज्ञा वाला, ड्रज कोल्लू के बैल की तरह लगा रहने वाला, विद ए हार्ट, एक ऐसे दिल वाला, सो श्रंकन, जो काफ़ी सिकड़ा हुआ हो, दैट नथिंग कैन ब्रेक इट, कि इस दिल को और कोई चीज़ तोड़ नहीं सके, रिजेक्शन, उसका रिजेक्ट होना, स्लिप प्रतियां, उसके रिजेक्ट होने की प्रतियां, डोंट मीन ए थिंग, जिसके लिए एक माध्यम नहीं हो, तो ही उसके लिए, इस रिजेक्शन की प्रतियां कोई मायने नहीं रखे उसके लिए। ही एट वंस सेट्स अबाउट मेकिंग ए फ्रेश कॉपी, और वह तुरंत शुरू कर दे, और वह तुरंत शुरू कर देता है मेकिंग ए फ्रेश कॉपी, एक नई कॉपी बनाने में, ऑफ द लॉन्ग प्रोज पीस, लंबे से प्रोज वाले पीस की, हिस्से की, एंड सेंड्स इट, और इसे भेज देता है ऑन टू अनदर एडिटर, दूसरे एडिटर के पास, इन क्लोजिंग पोस्टेज फॉर द रिटर्न, उस पर टिकट लगाते हुए वापस आने की, ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट होता है हाथ से लिखा हुआ मटीरियल। इट वॉज फॉर सच पीपल, ऐसा उन लोगों के लिए होता था, दैट द हिंदू हैड पब्लिश, कि हिंदू मैगजीन में छपा था ए टीनी अनाउंसमेंट, एक छोटी सी घोषणा, इन एन इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर, एक महत्वहीन कोने में, मामूली से कोने में, ऑफ एन अनइम्पॉर्टेंट पेज, एक महत्वहीन
पेज के ऊपर क्या लिखा हुआ था, ए शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेक्स्ट, एक छोटी स्टोरी का कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट का मतलब होता है प्रतियोगिता। ऑर्गेनाइज, जो ऑर्गेनाइज की गई थी बाय ब्रिटिश पीरियोडिकल के द्वारा। ब्रिटिश पीरियोडिकल ये एक पत्रिका का नाम है, बाय द नेम जिसका नाम था द एनकाउंटर ऑफ कोर्स निसंदेह। द एनकाउंटर वाज नॉट ए नॉन कमोडिटी, एनकाउंटर जो था वो एक जानी मानी कमोडिटी नहीं थी अमंग द जेमिनी लिटरेटी, जेमिनी के विद्वान मंडली में। आई वॉन्टेड टू गेट एन आइडिया, मैं एक विचार प्राप्त करना चाहता था, जानकारी प्राप्त करना चाहता था, आइडिया जानकारी ऑफ द पीरियोडिकल उस पत्रिका के बारे में। बिफोर आई स्पेंट ए कंसिडरेबल सम, मैं बिताऊँ एक कंसिडरेबल उचित सम कीमत ऑफ पोस्टेज डाक की सेंडिंग भेजते हुए ए मैन्यूस्क्रिप्ट, एक हाथ से लिखी हुई प्रति टू इंग्लैंड, इंग्लैंड में। इन दोज डेज, उन दिनों में द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी, ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी ने हैड एन एंट्रेंस, उसमें था एक एंट्रेंस, एक प्रवेश द्वार विद नो लॉन्ग विंडेड साइनबोर्ड्स, बड़े लंबे चौड़े, लॉन्ग विंडेड लंबे चौड़े साइनबोर्ड्स, संकेत बोर्ड नहीं थे, एड नोटिसेज और उस पर नोटिस भी नहीं थे, टू मेक यू फील, जिससे आपको अनुभव हो जाए यू वर स्नीकिंग, कि आप घुस रहे थे, आप जा रहे थे इनटू ए फॉरबिडन एरिया, एक प्रतिबंधित एरिया में, एक निषिद्ध एरिया में। एंड देर वर कॉपीज, और वहाँ पर कॉपी रखी हुई थी ऑफ द एनकाउंटर, द एनकाउंटर की लिंक पड़ी हुई थी, अबाउट इन वेरियस डिग्रीज, विभिन्न अवस्थाओं में, वेरियस विभिन्न डिग्रीज अवस्थाओं में ऑफ फ्रेशनेस, ताजगी के रूप में, ताजा के रूप में। ऑलमोस्ट अनटच्ड, सारी कॉपी जो थी वो अनटच्ड थी बाय रीडर्स, पढ़ने वालों के द्वारा। When I read the editor's name, जब मैंने उसमें एडिटर का नाम पढ़ा, I heard a bell ringing, तो मैंने सुना एक घंटी बज रही थी। In my shrunken heart, मेरे सिकुड़े हुए दिल में, मेरे टूटे हुए दिल में, it was the poet, यह कवि था, who had visited the Gemini Studios, जो Gemini Studio आया था। I felt like I had found a long lost brother, मैंने महसूस किया कि मैंने पा लिया एक लंबे समय से खोया हुआ भाई। And I sang, और मैं गाने लग गया, as I sealed the envelope, जैसे मैं बंद करा था उस लिफाफे को, and wrote out his address, और उसका एड्रेस लिख रहा था उस समय। I felt that he too would be singing, मैंने महसूस किया कि वह भी गा रहा था, the same song, वही गीत, at the same time, उसी समय, long lost brothers, जैसे लंबे समय से खोए हुए भाई, of the Indian films, भारतीय फिल्मों के, discover each other, एक दूसरे को पहचान लेते हैं, खोज लेते हैं, by singing the same song, वही गीत गाते हुए, and in the first reel, फिल्म की पहली reel में, and in the final reel, और अंतिम reel में, of the film, फिल्म की। Stephen, that was his name, वह था उसका नाम। And years later, और कई सालों बाद, when I was out of Gemini Studios, जब मैं Gemini Studios से बाहर निकला, and I had much time, और मेरे पास पर्याप्त समय था, but not much money, परंतु पर्याप्त पैसा नहीं था, anything at a reduced price, कोई भी चीज़ एक घटी हुई कीमत वाली, reduced घटी हुई price कीमत वाली, attracted आकर्षित करती थी my attention, मेरे ध्यान को। On the footpath, फुटपाथ के ऊपर, in front of the Madras Mount Road Post Office, Madras Mount Road Post Office के सामने, there was a pile of, वहाँ पर एक ढेर लगा हुआ था, brand new books, नई पुस्तकों का, for 50 पैसे each, और प्रत्येक के 50 पैसे थे, actually वास्तव में, they were copies of the same book, वे कॉपी थी उसी पुस्तक की, an elegant paperback, एक एलेजेंट सुंदर पेपरबैक, ऊपर लगे हुए पेपर का, ऑफ अमेरिकन ओरिजिन, अमेरिकन मूल का, अमेरिकन मूल का उस पर पेपर लगा हुआ था, मूल का मतलब यहाँ पे संस्करण है। स्पेशल लो प्राइस्ड, विशेष कम कीमत वाली,
स्टूडेंट एडिशन, स्टूडेंट्स के लिए वो संस्करण बना हुआ था। इन कनेक्शन विद द 50th एनिवर्सरी, संबंध में, इन कनेक्शन संबंध में विद द 50th एनिवर्सरी, 50वीं एनिवर्सरी के ऑफ द रशियन रिवोल्यूशन, रूस की क्रांति के। आई पेड 50 पैसे, मैंने 50 पैसे दिए उसके, एंड पिक्ड अप ए कॉपी, और एक कॉपी उठाई ऑफ द बुक, उस पुस्तक की। द गोड दैट फेल्ड, पुस्तक का नाम था द गोड दैट फेल्ड। पुस्तक का नाम था द गोड दैट फेल्ड। सिक्स एमिनेंट मैन, एमिनेंट जाने माने, फेमस मैन ऑफ लेटर्स, विद्वान लोग, मैन ऑफ लेटर्स, विद्वान लोग, इन सिक्स सेपरेट ऐसे, छह अलग अलग ऐसे में डिस्क्राइब, वर्णन कर रहे थे देयर जर्नीज, अपनी यात्राओं का, इनटू कम्युनिज्म, साम्यवाद की। एंड देयर डिसइल्यूजन रिटर्न, और उनकी निराशाजनक, डिसइल्यूजन निराशाजनक रिटर्न, वापसी का भी उसमें वर्णन था। आंद्रे गाइड कौन कौन थे वो छह लोग, छह विद्वान जिन्होंने उसमें द गोड दैट फेल्ड बुक में अपने ऐसे लिख रखे थे, कौन कौन थे? आंद्रे गाइड, रिचार्ड राइट, इग्नेजियो सिलोन, आर्थर कोसलर, लुइस फिशर एंड स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर, सडनली द बुक अज्यूम्ड, अचानक वह पुस्तक लगी ट्रीमेंडियस, भारी सिग्निफिकेंस, महत्व वाली, अचानक वह पुस्तक मुझे अत्यधिक या भारी महत्व वाली लगी। स्टीफन स्पेंडर द पोइट, कवि, हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियोज, जो आया था जेमिनी स्टूडियो में। इन ए मोमेंट, एक ही पल में, आई फेल्ट ए डार्क चैम्बर, मैंने महसूस किया एक अंधेरे वाला कमरा, ऑफ माय माइंड, मेरे दिमाग वाला, लिट अप, प्रकाशमान हो चुका था, बाय ए हैजी इल्यूमिनेशन, हैजी का मतलब एस्पर्स सी, इल्यूमिनेशन याद के साथ। द रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर एट द रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर की प्रतिक्रिया एट जेमिनी स्टूडियो में वाज नो लॉन्गर ए मिस्ट्री, अब एक रहस्य नहीं रहा था। द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज मे नॉट हैव मच टू डू विद स्पेंडर्स पोइट्री, हो सकता है जेमिनी स्टूडियो के बॉस लोगों का ज़्यादा लेना देना नहीं हो स्टीफन स्पेंडर की पोइट्री से, बट नॉट विद हिज गॉड दैट फेल्ड, परंतु ऐसा नहीं था कि उसका जो संस्करण था, उसकी जो बुक थी द गॉड दैट फेल्ड, उससे उनका कोई लेना देना नहीं हो। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, लेसन कंप्लीट हो गया। इसके क्वेश्चंस देखने के लिए आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाएं। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।